has been awarded Paramveer Chakra. Yes. Yes, sir. Sir, it is Honorable J.P. Nadda, sir. He is currently the chief of Bharatiya Janata Party. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gumarmi se, sir. Yami Gautam. Yes. Gumarmi ka hai to chhota sa town. But why it is so important for Himachal? Sir, it is a connectivity link towards the higher areas of the Himachal Pradesh. जब पंजाब से हम जाते हैं तो बाया बिलासपुर और अगर धर्मशाला की साइड या कांगड़ा की साइड जाते हैं तो घुमारवीं होके तो एक कनेक्टिविटी लिंक प्रोवाइड करवाता है. और सर करंटली वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो स्टेट जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा सर हेल्प कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है. तो सर इस हिसाब से मेरे हिसाब से कल्चरल इवेंट सर लोकल फेयर्स होते हैं वहाँ पे, उसको भी नलवाड़ी के नाम से ही जाना जाता है. और सर मेरे को इतना ही पता है सर. यस आप जिस उम्र में हैं, यस योर एज, यू थॉट नॉट रियली वेरी हैप्पी टेकिंग अप द कन्वेंशनल ट्रेडिशनल होम कुक फूड. यस दे आर मोर ड्रिवन टू प्रोसेस्ड फूड. यस प्रोसेस्ड फूड होता क्या? प्रोसेस्ड फूड सर होता है जिसको पहले ही बना के तैयार करके पैक्ड करके रख दिया जाता है ताकि अगर किसी को इमरजेंसी के टाइम पे जरूरत पड़े, जो कम समय में जिसके पास बनाने खाना बनाने का टाइम नहीं होता सर, तो वो प्रोसेस्ड फूड को यूज़ कर सकता है और अपने किसी और काम में व्यस्त रह सकता है सर. आपने बहुत अच्छा शब्द बोला इमरजेंसी के समय. यस पर आज का यूथ तो उसके लिए तो 365/7 इमरजेंसी. यस ये क्या है सर? वो प्रोसेस्ड फूड के प्रति वाला एक ग्लोबल लाइकिंग है. यस सर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेंड व्हिच इज हैपनिंग इन नॉर्थ इंडिया और इन इंडिया. यस बट ये तो सब यूथ आज का प्रोसेस्ड फूड विल सोल्ड. यस सर वो क्या है और उसको उसका नुकसान क्या हो रहा है ये बताइए सर. आज के यूथ ने और आज के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सर यूथ बहुत ज़्यादा बिजी हो गया. यूथ ही नहीं सर, हर पॉपुलेशन का जो कम्युनिटी है वो बिजी हो गई है. तो सर उनके पास खाना बनाने के लिए उनके अनुसार कम टाइम है, तो सर वो प्रोसेस फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं. और सर इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि सर हेल्थ रिगार्डिंग इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है. ये हमें हार्ट डिजीज़ और अदर डिजीज़ के ये प्रोन कर देता है सर. मान लीजिए 9000 प्लांट स्पीशीज हैं एडिबल. यस उसमें से आपके यहाँ से हम कितने ह्यूमन बीइंग्स को कंज्यूम करते हैं सर? अराउंड 17 to 15 मेजर प्लांट स्पीशीज का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और yes. उसमें भी हम व्हीट, मेज एंड राइस. यस सर इस पे अब फोकस हो गया है. यू कैन अंडरस्टैंड पर इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो रहा है? आपको लग रहा है कि प्रोसेस फूड का जैसे कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स का ही यूज किया जाता है तो सर मोनोकल्टीवेशन की तरफ हमारा एनवायरनमेंट जा रहा है जिसके सर हमारे वाइल्ड लाइफ और प्लांटेशन की जो डाइवर्सिटी है सर उस पर फ़र्क पड़ सकता है. और सर अभी मेरे ध्यान में एग्जांपल दो जैसे आपको याद कराने के लिए पाम ऑयल की फार्मिंग हो रही है साउथ ईस्ट एशिया में. यस सर सारा पाम ऑयल है, फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो गया. और क्या हो रहा है इसकी एक्टिविटी सर? आई डोंट हैव बीट इंडस्ट्री का भी कुछ एनवायरमेंटल as it is said that meat industry has the maximum the greenhouse emissions ka yes. contribution dekha jaye industries mein se to meat industry ka maximum nikalta hai to wo jo cheez hai wo processed food ka hissa banti hai kya hota hai meat industry ko yes. mein rakhte hai processed food mein rakh sakte hain sir. Yes wo processed food nuksan karta kyun hai? Kya kaun kaun se elements hain jisko aap lag raha hai ek khali hum crop le liya, abhi humne rice bhi le liya, maize le liya, उसके अंदर और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नुकसान करते हैं? सर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं सर उसकी पेरिसेबिलिटी बढ़ाने के लिए और यस प्रिजर्वेटिव्स. और सर काफ़ी टाइम से अगर हम स्टोर रखेंगे सर तो शायद उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी शरीर को थोड़ा
डिफ़िकल्टी हो सकती है सर, क्योंकि फ्रेश अगर क्रॉप्स होंगी तो उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी कम टाइम लग सकता है। तो सर आपकी एक ट्रेडिशनल हिमाचल में ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल फॉर्म होती थी काट कोनी के नाम से, कोनी के नाम से, व्हाट इज दैट? क्या सर? काट कोनी, काट कोनी है सर। व्हाट इज दैट सर? बहुत से मंदिर के डिंबा का मंदिर है काट कोनी में सर। यस पराशर लेक का मंदिर है जो उसी फॉर्म में। यस सर, काट कोनी में सर सिर्फ लकड़ी और पत्थर का यूज़ किया जाता है सर, सीमेंट का इसमें कोई यूज़ नहीं होता। और सर इस तरह से यूज़ किया जाता है सर कि काफ़ी मजबूत मंदिर बनाया जा सकता है। और सर यही यही है सर, उसका सिज़मिक ज़ोन में होने का भी कुछ रीज़न होता है। यस सर, सर इस मंदिर, ये मंदिर अर्थ को एक प्रूफ होते हैं सर, तो सिज़मिक ज़ोन में अगर वहाँ पर हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा अर्थ को एक अगर आते हैं तो सर वो उन पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा सर। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। यस फ्लेक्सिबल। आज के डेट में जितना भी आर्किटेक्चरल मतलब स्टाइल अडॉप्ट हो रहा है वो सारे का सारा बिल्कुल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल, बिल्कुल वो लिटल कास्ट कोनी की तो बात ही नहीं हो रही, इवन लोकल वो भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, मटीरियल नहीं है, वुड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सीमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो आर सी सी वाला सिस्टम हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैव एन एनवायरमेंटल इंपैक्ट टुमारो? यस सर, हम कॉन्क्रीटाइजेशन की तरफ काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं सर, जिसके कारण सर ग्लोबलाइजेशन, हीट आइलैंड इफेक्ट भी हो रहा है सर काफ़ी ज़्यादा, और ग्लोबल वार्मिंग सर, और हीट आइलैंड इफेक्ट में सर ऐसा हो रहा है कि जो जो अभी सीमेंट है उसकी सर हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सर और इन्वायरमेंट सर इवेपोरेशन के लिए हम कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे हैं, तो सर उसके कारण जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है सर। और अगर इसको हमें रिकमेंड करना ही है तो करना क्या पड़ेगा? सर हम जो पुराने ट्रेडिशनल टाइप्स थे हाउसेस के उसकी तरफ फोकस कर सकते हैं सर, क्योंकि हिली एरियाज में सर वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे सर। इनिशिएटिव किसकी तरफ से आना चाहिए, समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से? सर अगर हम देखें तो जो वुडन हाउसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं सर, तो सरकार अगर उन पर थोड़ी सी सब्सिडी या उन इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए कि अगर आप लकड़ी के घर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को अपनाते हैं तो हम उस पर कुछ सब्सिडी या इंसेंटिव्स देंगे, तो सर फिर उसके बाद समाज भी उसको अपनाएगा। यस सर। ओके देवव्रत जी, यू आर फ्रॉम बिलासपुर? यस सर। राइट फ्रॉम स्वर्गघाट टू डिस्ट्रिक्ट, होल डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और टिल मंडी डिस्ट्रिक्ट। यस सर। आप देखते हैं कि रूट जाम होता है हमेशा, जब चले जाओ तो ट्रक्स का बहुत ज़्यादा रश होता है और इवन टूरिस्ट सीजन देन देयर इज अ लॉट ऑफ जैम। यस सर। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है या? यस सर, गवर्नमेंट सर उसके लिए अलग से रूट बना रही है जो 4 लेन का रूट है, और सर एज पर देयर प्रेडिक्शंस चंडीगढ़ से सर बिलासपुर का रास्ता सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा सर। तो ये 4 लेन प्रोजेक्ट है क्या, कहाँ से कहाँ तक रहेगा? सर ये चंडीगढ़ से बिलासपुर होते हुए सर मंडी की तरफ निकल रहा है सर। मंडी नहीं सर, मंडी से भी आगे सर, मेरे को सर एग्जैक्ट पता नहीं है इसका सर। ओके। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है पता है कुछ? यस सर। सर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है कि अगर पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके चेंजेस आने से जो हमें फ़ायदे हो सकते हैं सर, तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। जैसे कि अगर यूथ की जो परसेंटेज है वो पॉपुलेशन में बढ़ जाती है तो उनके लिए इकोनॉमिक जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हम प्रोवाइड करवाएं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है सर। एक बिलासपुर में कत्था फैक्ट्रीज भी है, पता है आपको कत्था होता है? कत्था पता है सर, लेकिन फैक्ट्री के बारे में फैक्ट्रीज नहीं पता। सपोज वहाँ पे, सपोज कि वहाँ पे कत्था फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी। यस। और वहाँ पर इलीगल कत्था के लिए कटिंग बहुत होती है ट्रीज की। यस। जो कि होती है वैसे एक्चुअली, तो आई वांट टू नो कि अगर आप वहाँ पर एज एन एसडीएम पोस्टेड है तो आपका क्या उसके लिए स्टैंड रहेगा, कैसे उनको पकड़ोगे, कैसे रोकोगे, और रात को वो फॉरेस्ट से काट के ले जाते हैं? यस। तो सर पकड़ने के लिए तो सबसे पहले तो जो मेरे लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़ होंगी उनकी हेल्प लूँगा, और सर कम्युनिटी पुलिसिंग की भी की जा सकती है कि जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको इसके लिए अवेयर किया जाएगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो आप पुलिस को या दूसरी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें, और बाकी सर जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें। एक डल लेक है हमारी कंट्री में। यस। कहाँ पे?
जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर एक लामा डल लेक है। यस। वो कहाँ पे है? सर ये चंबा में है सर। चंबा में। ओके। व्हाट इज वैदिक नेम ऑफ चिनाब? सर चंद्रभागा। चिनाब चंद्रभागा सर? नहीं सर, सोच सो के बात। यस सर, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। चंद्र और भागा जो रिवर्स है वो कहाँ मिलते हैं? सर तांडी में मिलती हैं सर। यस। सिंगिंग में वोकल कॉर्ड्स कितने होते हैं? सर एक्चुअली प्रोफेशनली मैंने नहीं सीखी है सर, जो सुनता हूँ गाने वो ही गाता हूँ सर। कुल्लू स्टेट किसने फाउंड करे थे? किसने, कौन था फाउंडर कुल्लू स्टेट? सर अलग अलग प्रथाओं के अनुसार सर कुल्लू स्टेट वॉज फाउंडेड बाई बिहंग मणिपाल, और सर प्रद्युमन जी को भी इसका पहला राजा माना जाता है सर। ओके। एक सिचुएशन है कि आप एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं कहीं पर, है ना? यस। वहाँ पर एक टेंपल है जिसका एक ट्री है बहुत ही रिलीजियस पायस। यस। और उसको आप, वो ट्री की जो शाखा है, पेड़ की शाखा है, वो आसपास फैल रही है और काफ़ी पुराना पेड़ है, एंड देर इज़ नियर बाई मुस्लिम कम्युनिटी पीपल जो है ना, उसके साथ ही, और उनके जो छत पे है, उनके लेंटर पे, उस पर प्रेशर आता है उसकी वजह से, और उनकी कुछ दीवार भी साइड की उससे दब रही है। yes. वो लोग उसको काटना चाहते हैं, बट देर इज यू नो पीपल आर अगेंस्ट इट, जो हिंदू रिलीजन से है वो नहीं कटवाना चाहते उसको। yes, sir. और आप पे प्रेशर भी आ रहा है पॉलिटिकली भी कि मेजॉरिटी जो है हिंदू है, एंड दे डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो, आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? सर ऐसी सिचुएशन में मैं वहाँ के लोकल जो स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ मीटिंग करूँगा, और जो वहाँ पे लोकल पीपल हैं दोनों कम्युनिटीज़ के या जितनी भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग की जाएगी, और सर कन्विंस किया जाएगा कि अगर हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अगर हम कम्युनल हारमोनी को मेंटेन रख सकते हैं और पीसफुली को एग्जिस्टेंस कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। तो मैं सर कन्विंस करूँगा जो मेजोरिटी कम्युनिटी है कि अगर हम थोड़ी सी टहनियों की छंटनी करके या कुछ करके उनके घरों को बचा सकते हैं, तो सर उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा सर, और मैं उनको कन्विंस करूँगा सर। आपके एरिया में एक गांव है जहाँ पे अभी तक रोड नहीं, आज़ादी के बाद से रोड ही नहीं बनी है, ठीक है? yes. एक वही गांव छोटा हुआ है और फॉरेस्ट एरिया आता है बीच में। yes. ठीक है, लोगों की मलकियत भी है, उसका भी लैंड है वहाँ पे थोड़ा, लेकिन मे बी यू कैन से 3/4 जो एरिया है वो फॉरेस्ट लैंड है। yes. ट्रीज आर नॉट देयर, लेकिन फॉरेस्ट एरिया है। yes. अब वहाँ के लिए परमिशंस भी नहीं मिल रही हैं और आप लोगों के लिए रोड भी बनाना चाहते हैं, एंड जो आपको फंडिंग रिक्वायर्ड है उससे 1/4 आपके पास फंडिंग है, उससे ज़्यादा नहीं है। पॉलिटिकल जो है XMLA ने भी कुछ नहीं किया, करंट MLA भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को बस दिलासा दे रहे हैं और बोल रहे हैं ओके नेक्स्ट टाइम इलेक्शन के बाद विल ट्राई टू डू इट, कि कैसे हम इसके लिए कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पीपल आर यू नो डाइंग, और ऊपर से कभी ढंग से गिरते हैं कोई, ऐसी चीज़ें होती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहेंगे क्या? सर पॉलिटिकल लीडर से ही बात करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि फंडिंग सर और अपर माय सीनियर जो होंगे सर उनसे बात कर सकता हूँ सर इसके लिए कि ये फंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर ये जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। और सर पॉलिटिकल लीडर्स को भी कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि अगर हम किसी ऐसे गांव की भलाई के लिए वहाँ पर रोड बनाते हैं तो वो उनकी इमेज के लिए भी काफ़ी सही रहेगा। तो सर इस हिसाब से मैं सर उनको कन्विंस करूँगा, और कनेक्टिविटी को तो सर वहाँ की पूरी की जाएगी सर। आप रोड बनवा देंगे वहाँ पर तो वहाँ तो आपको हीरो बना देंगे, पॉलिटिकल वर्सेस को तो फिर वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि ऐसे कैसे, मतलब हमने उनको वादा किया है कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद कराएंगे, तो आप तो पहले ही। नहीं सर मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि सर ये मेरी ड्यूटी है सर, अगर मैं किसी को कन्विंस करके ये काम करवा सकता हूँ तो सर मैं ज़रूर करूँगा जी सर। देवव्रत, अभी एक क्राइसिस चल रहा है, लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। यस। तो उसके उस लड़ाई के चलते वेस्ट ने, यूएसए ने पर्टिकुलरली काफी सैंक्शंस लगाए हैं रशिया। यस सर। कुछ बताइए कौन कौन से सैंक्शंस लगाए हैं, कोई तीन सैंक्शंस बताइए जो लगाए। सर एक तो वहाँ के जो ट्रेड ऑयल ट्रेड है उसके ऊपर सैंक्शन लगाया है सर, और जो वहाँ पे जो वेस्ट ने रशिया पे लगाया। यस सर।
और अभी सर रिसेंटली उन्होंने UNHRC से रशिया को रिमूव कर दिया है सर, और अभी दो ही जान में है सर। स्विफ्ट बैन भी लगाया है सर। ये इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन का सॉफ्टवेयर होता है सर, जिसमें जो कंट्रीज होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकती हैं सर। तो अभी रशिया के ऊपर इसका बैन लग गया है और उसके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पावर नहीं है सर। जो आप कह रहे हैं कि ऑयल सर, उन्होंने कहा है कि अगर जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती हैं अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो उन कंट्रीज के ऊपर भी हम सैंक्शन लगाने की सोच सकते हैं सर। इंडिया करता है रशिया से ऑयल इंपोर्ट? यस सर। फिर इंडिया पे भी लगेंगे सैंक्शंस? सर अभी इंडिया ने स्टेटस को मेंटेन किया हुआ है और अभी वो कह रहे हैं कि हम करते रहेंगे इंपोर्ट, क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल, 84% ऑफ द ऑयल इज बींग इम्पोर्टेड बाई इंडिया। तो सर हमारी इकोनॉमी के लिए ऑयल इम्पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। हमारे टोटल इम्पोर्ट्स में से रशियन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सर इट इज आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट सर इफ यू अलाउ मी टू मेक एन अटेम्प्ट, सर इट इज नियर अबाउट 10%। मच लेस देन दैट सर, इट इज अबाउट ऑलमोस्ट 1%। ओके सर, सॉरी सर, 1% इम्पोर्ट है। Yes. So, इतना ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं है। इजिली वी कैन आस्क ईरान और यूएई और सऊदी अरब टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑयल, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सर रशिया से हमारे पुराने रिश्ते हैं सर, इंटरनेशनल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं और पुराने भी हैं। कब से हैं इनके साथ हमारे रिलेशंस? सर आज़ादी से पहले के ही रिलेशंस हमारे USSR से थे, और उसके बाद भी सर हमें काफ़ी इंटरनेशनल स्टेजेस पे रशिया ने हेल्प किया है। 1971 वॉर के टाइम पे और UNSC में काफ़ी बार रेजोल्यूशन जो इंडिया के अगेंस्ट था उसमें सर रशिया ने वीटो को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा इंडिया की हेल्प करी है। रशिया ने किया, सोवियत यूनियन ने? सर फॉर्मर USSR है सर, इसलिए हम ये नहीं। रशिया ने कैसे रिटेलिएट किया इन बैंस को, कैसे विरोध जताया है, मतलब क्या एक्शंस लिए हैं विरोध जताने का? सर रशिया ने चाइना के साथ अपनी दोस्ती को ज़्यादा गहरा कर लिया है सर, और जो भी वहाँ पे ट्रेड्स चल रहे हैं तो वो युआन और येन में ट्रेड करने की बात भी चल रही है सर उनकी, तो इसी तरह से युआन और येन, युआन सर, युआन सर रशिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल जो है वो वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करना शुरू किया है सर। सर रशिया का जो शेयर है वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट्स में वो काफ़ी कम है सर। इस इतना है सर, मेरे को एग्जैक्ट फिगर सिग्निफिकेंट है, काफ़ी कम है। सर नाटो ऑर्गेनाइजेशन थी वो 1948 में बनाई गई थी सर, और जब कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ था तो उसमें दो ब्लॉक्स बन गए थे। तो सर ये ब्लॉक लेड बाय USA इसको लीड कर रहा था, और ये मिलिट्री ब्लॉक है सर, और इसका सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि अगर हमारी नाटो कंट्रीज, जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं, अगर उसके ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करती है तो जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं वो इसको अपने ऊपर अटैक मानेंगी और रिटेलिएट करेंगी सर। नाटो का कोई कंट्रीब्यूशन रहा है रशियन यूक्रेनियन क्राइसिस को फ्यूल करने में? यस सर, नाटो सर जो यूक्रेन था वो नाटो की तरफ काफ़ी टिल्ट कर रहा था, वेस्ट की तरफ टिल्ट कर रहा था, और देवर शोइंग इंटरेस्ट टू ज्वाइन द नाटो। तो सर रशिया ने इसको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट मान के यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया सर। यही रीज़न है अटैक का? क्या यही एक रीज़न है अटैक का, रशिया यूक्रेन का अटैक? सर मेजर रीज़न यही है सर, वन ऑफ द रीज़न। यस, इकोनॉमिक रीज़न भी है, कमर्शियल और इकोनॉमिक रीजंस। एक ये तो हो गया ना कि पॉलिटिकली वो डिप्लोमेटिकली उधर टिल्ट कर रहे थे वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ।
सर इकोनॉमिक रीजन नहीं ध्यान में सर अभी मेरे। नेशन को भी इंडक्ट किया है नाटो ने। यस सर यस सर आई हैव रेड इट बट करंटली कांट रिकॉल इट सर। आपने ऑपरेशन गंगा के बारे में सुना होगा? यस सर। सर ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से जो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं रह रहे थे एजुकेशन पर्पसेस के लिए, तो वहाँ से उनको वापस अपने देश में लाने के लिए जो सर एक ऑपरेशन चलाया गया था, एयर लिफ्ट ऑपरेशन चलाया गया था, तो सर वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया और अपने देश लाया गया सर। तो इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था सर। पीएम डिवाइन स्कीम के बारे में जानते हैं? नहीं सर। प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम, सॉरी सर आई विल हैव टू रीड इट। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के बारे में? यस सर। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सर, और ये जो भी गांव चीन बॉर्डर के पास लगते हैं सर उनको डेवलप करने का ये प्रोजेक्ट है सर। उन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी डेवलपमेंट, तो सर ताकि वहाँ पे जो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो सर इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया है सर। सॉरी सर मैम पढ़ा नहीं मैंने। नाम कुछ आपको बता रहा होगा, इको विलेज। मैम अगर आप परमिट करें तो मैम शायद ये इको विलेज कोई ऐसी विलेज जहाँ पे इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो उनको ऐसी विलेजेस डेवलप करना वहाँ पे। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई विलेज डेवलप हुआ है? मैम आई एम नॉट अवेयर। हिमाचल स्टेट पे अभी आइस नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। यस मैम। कहाँ ऑर्गेनाइज है? मैम ये लाहौल स्पीति के काजा में ऑर्गेनाइज हुई थी और इंटरनेशनल टूर्नामेंट था मैम, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ नेशनल सॉरी मैम नेशनल टूर्नामेंट था और काफ़ी ज़्यादा इसलिए न्यूज़ में था मैम। क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे इसके बिसाइड स्पोर्ट्स एरिया, स्पीति वैली को क्या प्लस और माइनस देखते? मैम सबसे बड़ा प्लस तो इसमें ये रहेगा कि हमारा टूरिज्म इसमें काफ़ी ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन लाहौल स्पीति को मिली है इस टूर्नामेंट से, और बाकी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, और एथलीट्स के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे खुल सकते हैं, और मैम हमारे कल्चर को भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी मैम, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इससे काफ़ी ज़्यादा जनरेट होंगी मैम। बट आपको नहीं लगता कि स्पीति वैली में ऑलरेडी कनेक्टिविटी मैम काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी के लिए चलाए जा रहे हैं, जैसे अभी रोहतांग टनल भी लाहौल स्पीति को कनेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था, और मैम बाकी भी काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने का काम मैम चल रहा है। नो मैम ये मैम कुल्लू और लाहौल को कनेक्ट करती है। लाहौल और स्पीति कनेक्ट हो जाते हैं? यस मैम एक पास है वहाँ पे। कौन सा? मैम आई थिंक इट्स कुंजुम पास। मैम कुंजुम पास जो लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है। तो फ्यूचर में अभी क्या ऐसा करना चाहिए जिससे स्पीति वैली में कनेक्टिविटी बढ़े? मैम अगर वैसे तो मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है वहाँ की टोपोग्राफी का, लेकिन वहाँ पे अगर कहीं टनल की ज़रूरत पड़ती है तो वो बना सकते हैं, हेलीपैड्स और अगर एयर कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सकती है, और मैम अभी एक भानुपल्ली रेलवे लाइन भी बन रही है जो बिलासपुर लेह को कनेक्ट करेगी, तो वो भी मैम वहाँ की कनेक्टिविटी को काफ़ी इम्प्रूव करेगी। यो ले लाइन विल नॉट कनेक्ट स्पीति, दैट विल गो वाया लाहौल एंड ऑनवर्ड्स टू ले। सॉरी सर मेरे को पता नहीं था सर। स्पीति इज अनदर डायरेक्शन। इनफैक्ट इफ यू हैव टू गो टू स्पीति for 7 months it remains cut off from the district headquarters, and you have to cross 7 districts to reach. It takes about 14 hours, 20 hours, right? Okay. Himachal state ne bhi recently Punjab Haryana state ki Chandigarh union territory conflict mein apna stake bhi claim kiya. Yes ma'am. Himachal state ka bhi share. Yes ma'am. Kya share? Ma'am it is 7.9%. 7.9%? Approximately. Approximately 7%. हिमाचल कैसे यूज करते हैं इस शेयर?
मैम डिमांड कर रहे हैं वो कि जो भी भाखड़ा ब्यास और भाखड़ा नंगल जो बोर्ड है मैम वहाँ उसके जो शेयर्स हैं जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो वहाँ के शेयर्स में वो काफ़ी ज़्यादा शेयर डिमांड कर रहे हैं। और मैम उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारा जो 1966 के बाद से अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होने के चांसेस हैं। तो मैम इस हिसाब से वो क्लेम कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में है तो मैम उसमें भी वो शेयर क्लेम कर रहे हैं। मैम अभी रिसेंटली हिमाचल स्टेट का पंजाब स्टेट के साथ भी कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ स्टेटमेंट्स आई है या कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है? एक प्रोजेक्ट है जो हिमाचल में है लोकेटेड, ओनरशिप पंजाब के पास है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? शाहनंद प्रोजेक्ट जो है वो क्या प्रोजेक्ट? शाहनंद प्रोजेक्ट है सर। शाहनंद वेयर इज इट? मंडी नियर व्हिच टाउन? सर आई हैव नो आईडिया अबाउट दैट सर। जी रेणुका जी डैम को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। यस मैम। मैम रेणुका डैम जो है वो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन को कनेक्ट करेगा और दिल्ली तक इसकी पाइपलाइन जाएगी जहाँ पे वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाएगा मैम दिल्ली को। और बाकी स्टेट्स भी इसमें, हरियाणा भी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मैम मैम एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता मैम उसके बारे में। मैम रेणुका जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड होगा। हिमाचल को इससे, हिमाचल स्टेट को क्या बेनिफिट है रेवेन्यू वाइज? क्या बेनिफिट मैम रेवेन्यू जनरेट होगा? और एग्जैक्ट फिगर्स मैम मेरे को नहीं आईडिया मैम, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यस मैम। अभी हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यस मैम हिमाचल स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स और साइट्स आइडेंटिफाई किए जो बॉलीवुड पंजाबी और हिमाचली फोक सॉन्ग्स हैं वो सुनता हूँ और वही गाता हूँ। मैम एक गाना है मायने मेरी बाय मोहित चौहान सर। कैन यू सिंग वन लाइन? यस मैम फॉर श्योर। मायने मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर, शिमले नी बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूर। Thank you, ma'am. Thank you. All the best. Thank you, sir. The culmination. The musical note, yeah. Thank you. What is saying there? Thank you. Yes, ma'am. Devrat, aapka डिस्पोजिशन बहुत अच्छा था। यू आर स्माइलिंग वाइल रिप्लाइंग टू द क्वेश्चंस एंड रीजनेबली वेल कनेक्टिंग विद द ऑल द मेंबर्स लुकिंग इन देयर। रिप्लाइज भी कुछ के रिप्लाई आपने बहुत अच्छे दिए, लेकिन आपने ये बहुत बार यूज़ किया कि मुझे पता नहीं है। ठीक है, चार पांच सवालों को आप कह सकते हैं लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कह सकते, पर्टिकुलरली जो आपके स्टेट के मुतालिक जो सवाल हैं वो आपको आनी चाहिए सभी। और जो नेशनल स्कीम्स हैं, स्टेट की स्कीम्स हैं, इन जो अभी उसमें हैं, न्यूज़ में हैं या रिसेंट ईयर्स में आई हैं, उनके बारे में आपको यू हैव टू ब्रश अप योर नॉलेज, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे। यस। और ये अच्छा होगा आप उसका जवाब दे सकें। उन चीज़ों को आप पे कहें कि मैं नहीं जानता तो उनको लगता है कि परहैप्स शायद कैंडिडेट ने अच्छा प्रिपेयर नहीं किया। यस। चाहे आप बाकी सवालों के जवाब अच्छे देंगे। बाकी तीन रशिया यूक्रेन पे आपने कुछ सवालों के जवाब अच्छे दिए, लेकिन कुछ में उसमें भी आपको सम इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो ये जो तीन आज की हॉटस्पॉट चले हुए हैं वर्ल्ड में, रशिया यूक्रेन है, श्रीलंका है, पाकिस्तान क्राइसिस, जो पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पे चल रहे हैं,
इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं यू मस्ट ब्रश अप, मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल. इनके बारे में हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी एंगल से आ सकते हैं. यस. तो यही, बल्कि इवन जो एक आपके डिस्ट्रिक्ट से होती है जाती है 4 लेन, उसका आपको नहीं मालूम कहाँ से कहाँ तक जा रही है. उसका नाम ही किरतपुर मनाली है, चंडीगढ़ बोला आपने, जबकि चली किरतपुर से है, चंडीगढ़ तक तो रोड बनी हुई है. तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, अगर इस पर आप फिल्टर कर जाएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा. इसी इन पर थोड़ा सा काम कीजिए, अभी आपके पास टाइम है. बाकी अदरवाइज ओवरऑल यू आर ए गुड पैकेज. आप तीन जवाब अच्छा देते हैं, एक में हो जाते हैं, फिर वो जो आपने किया वो अनडू हो जाता है. वो प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, जितने मेंबर्स इतने प्रॉम्प्ट किया आपको कुछ चीज़ थोड़ा पढ़ो लेटेस्ट करंट अफेयर्स को, आप डीप से पढ़ो. दीपक जी, आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा हो गया पहले से, जैसे सर ने भी बताया जैसे, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो आप. जैसे उधर देख रहे हैं तो इधर इग्नोर हो जाता है, तो थोड़ा और थोड़ा इसको बेटर कर लें. वैसे पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आपके कम्युनिकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है पहले से, जैसे पहले हम. बट आपने संजीव कुमार फिर बोल दिया, PVC संजय कुमार लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा गया. और उसको PVC कहाँ मिला आपको मालूम है? कहाँ जी मिला कर 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 ओके लास्ट राइफल मैन अंदर. हाँ जी यस सर, ये चीज़ें एक्चुअली लोकल बिल्कुल टिप पे बिल्कुल सर. यू कम फ्रॉम दैट एरिया? यस. संजय कुमार. संजय कुमार. And you took lot of time to recollect the name of Mr. J.P. Nadda. He should have been the first name today. He is the national president. Yes. Of the BJP. Former health minister. Former health minister. He is one of the most prominent persons of your area. Yes. Of your district, actually. Then Katha production is there in, you know, Bilaspur. Uske bare mein thoda pata ho. और अपने डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा आप ब्रश अप कर लें चीज़ें ना, क्योंकि तो उसमें आपको कुछ कठिनाई आ रही है वो चीज़ें. आप थोड़े दिन चंडीगढ़ छोड़ के घुमा भी जाएंगे बिकॉज आप वहाँ पे लोकल जो ओल्डीज लोकल है वहाँ इंटरेक्ट करें, घूमें, थोड़ा अपना डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करें, हैव अ फील ऑफ इट, आपके अंदर समाना चाहिए वो, और फिर वो जो निकलेगा ना वो नेचुरल आएगा. सिर्फ बुक से पढ़ कर आपको बहुत आर्टिफिशियल लगेगा. विजिट करें पता फैक्ट्री कौन हो, लास्ट में जेल है देखें, कोल्ड डैम जाएं, उसको ऐसे स्टूडेंट की तरह मत देखें, एज अ वुड बी ऑफिसर देखें उन जगहों को, है ना. ड्योली होकर आए देखें, फिशरीज का डाय बंगलाधार जाए, प्रोजेक्ट देखें, कोठीपुरा जाए, कितना आम एम्स वहाँ बन रहा है उसके बारे में सवाल होता है, देखें OPD फंक्शनल है कि नहीं, कितनी देर लगेगी आपको पहुँचने में, आप जरूर इसको करें, क्योंकि ये आपका बहुत वीक रिफ्लेक्ट होता है. पहले भी ऐसा ही होती है. रशिया के क्वेश्चंस में जैसे सर ने बताया, उसमें थोड़ा चीज़ें आपको थोड़ा डीप पता चल कर लेंगे, उसमें तुक्के नहीं मारे जैसे गेस करते ना. यस. पहले आपने सोचा फिर अच्छा अच्छा सर 25% से, फिर सर ने बोला 25, आपने कहा नहीं सर पता नहीं है सर, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते ना, जैसे सर ने बताया पता नहीं नहीं बोलता है. यस. पहले ही बोल दोगे सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, और एक ये नहीं बोलना पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे आपने बोला ना कि पढ़ना पड़ेगा. yes. ऐसा मतलब कैजुअल लगता है, अदरवाइज इट वाज वेरी गुड. पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए, मतलब ऐसी चीज़ें रखेंगे तो अच्छे चांसेस है. yes. ठीक है, कुछ फैक्ट्स काफी
सिर्फ एक अपने फेवरेबल नेशंस को बेच रहा है, वर्ल्ड मार्केट में तो ऑयल के प्राइसेस कितने अप हुए होंगे। यस, तो मेजर ग्रुप पर पैनल तो ये पता होना चाहिए जी कि हमारे यहां पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। यस, तो इंडिया इज इन वेरी गुड टर्म्स विद रशिया, अगर उन्होंने ऐसे सस्ता करके बेचा तो हमारे पेट्रोल के दाम कम हो, ये सारी कॉमन सेंस की चीज है। यस, ठीक है, द गुड थिंग इज कि आपको आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काम नहीं करना, व्हिच इज डिफिकल्ट what you have become in these 20, 24, 25 years, sirf information yaad karna, yes ma'am, and time hai, so that's the best thing. Your confidence mein problem ho, language mein issue, to there's something to be concerned about. Ye to cheeze hai yaad karte hi aalo, just add up to your cognitive level time. Yes ma'am, structured content ha up to current affairs ki books hai, usse aap brain ka ji jaan detail ko padhiye, इक्विवेलेंट स्कीम पढ़ी, बिलासपुर के कौन से विलेज हैं, शानन प्रोजेक्ट पढ़ी, जो भी अभी रिसेंटली न्यूज में था किसी पॉलिटिशियन ने कहा था कि शानन प्रोजेक्ट की हिमाचल को आई थिंक कांगड़ा के हैं, क्या नाम है, पंजाब को उसका सारा रेवेन्यू जनरेट नहीं, वो एक्सएमएल है, एमपी भी है, क्या राजनीति शामिल जी जी हिमाचल को आना चाहिए। उसी ने 4200 की भी फिगर उसी ने कही थी कि हमारा शेयर है बीबीएनबी में जो हमें नहीं मिला। यस, और एक आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, गाते भी रहे साथ साथ, एच एस भी बन रहे तो, बट सिंगिंग इज योर प्लीजिंग पर्सनालिटी, थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे तो लोग नहीं स्टॉप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।